और आज बात ऋतुराज गायकवाड़ की, एक ऐसे खिलाड़ी की जो सलामी बल्लेबाज है, जिनसे काफी उम्मीदें हैं देश को कि T20 वर्ल्ड कप में शायद वो भारत की कमान संभाले रोहित शर्मा के साथ बतौर ओपनर। लेकिन ईशान किशन भी यहाँ मौजूद है और यहाँ टेक्निकल कुछ चीजें हैं जिस पर संजय बांगड़ का ध्यान गया है। जी हाँ, संजय बांगड़ बैटिंग कोच भी रहे हैं इंडिया के, और उन्होंने कुछ चीजें ऐसी बताई हैं ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में जो वाकई कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। उनका बहुत ही साफ तौर पर कहना है कि ऋतुराज गायकवाड़ जब शॉट खेलने के लिए जाते हैं तो उनका जो बॉडी वेट है वो बैकफुट पर आ जाता है, और जिससे उनको आक्रामक ताबड़तोड़ शॉट खेलने में थोड़ी सी परेशानी आती है। वो अटैकिंग शॉट नहीं खेल पाते ऐसी स्थिति में, इसी वजह से उनके जितने शॉट्स हैं वो या तो थर्ड मैन की दिशा में जाते हैं या पॉइंट की दिशा में जाते हैं। आपको याद होगा रबाडा के खिलाफ जब रबाडा गेंदबाजी कर रहे थे कटक में, तो उनका ऐसा ही शॉट जो है किया था थर्ड मैन की दिशा में और वो लपक लिए गए थे। और उसके अलावा भी अगर आप उनके बाकी मैच देखें, 5 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं उन्होंने T20 के, और 5 ही मैचों में 23 रन उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है और कुल मिलाकर उनका स्कोर भी 63 रन रहा है। यानी 5 मैचों में 63 रन एक ओपनर के लिए बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते उनकी टीम में जगह को लेकर। लेकिन उनका फिर भी मानना है संजय बांगड़ का कि उनको अभी एक मौका और मिलना चाहिए, क्योंकि इस खिलाड़ी में क्षमताएं हैं, हो सकता है कि इसकी क्षमताएं अगले मैच में सामने आ जाए। बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के कोच हैं ये मानना होगा संजय बांगड़। लेकिन मुझे याद है उनकी 99 रन की पारी थी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ IPL की, जिसमें उन्होंने वाकई बहुत प्रभावित किया था और 57 गेंदों का सामना किया था। पुणे के मैदान पर वो मैच खेला गया था, और इसके अलावा गुजरात टाइटंस की ओर के खिलाफ इन्होंने 49 गेंदों पर 53 रन की पारी खेली थी, अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। वहां पर भी इनके शॉट्स देखने लायक थे। तो यहाँ कुल मिलाकर जो दिक्कतें आ रही हैं इनके साथ, वो शुरुआती अगर हम IPL का शुरुआती पड़ाव देखें तो वहां पर भी उनको काफी दिक्कतें आई, उनको जमने में थोड़ा वक्त लगा। लेकिन जब आप अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते हैं, जब आप T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के सदस्य बनने की उम्मीद जाहिर करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप शुरुआती मैचों में नहीं चल पाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और इस खिलाड़ी को अपनी टीम में जगह बनाने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अगर आप देखें तो IPL में इस खिलाड़ी का जो स्ट्राइक रेट था वो था 126.46 और 26.29 की औसत से इस खिलाड़ी ने कुल मिलाकर 368 रन बनाए थे 14 मैचों में। तो ये प्रदर्शन एक ओपनर के हिसाब से बहुत ही लो परफॉर्मेंस कहा जा सकता है, बहुत ही औसत दर्जे का परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। तो अब इन्हें जो बेसिक चीजें हैं उस पर काम करने की जरूरत है, खासकर जब आपका बॉडी वेट बैकफुट पर चला जाए और शॉट खेलने आप आगे चले जाएंगे तो आपका शॉट जो है मिस टाइम होगा ही। ये दिक्कत एक बार नहीं, दो बार नहीं, उनके कई मैचों में देखने को मिली है, IPL में देखने को मिली है, भारतीय टीम की ओर से जब वो खेलते हैं वहां भी देखने को मिली है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अपनी इस कमजोरी पर वो जल्दी से जल्दी निजात पाएंगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, वक्त बहुत कम है। अक्टूबर में शुरू हो जाएगा ये IPL T20 वर्ल्ड कप का पड़ाव, और उससे पहले आपको अपनी इन तकनीकी कमजोरियों पर निजात पाना बहुत जरूरी होगा। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।